यहाँ पे जब अब ऑल इन वन प्लगइन पे जाके इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 512 MB आप मैक्सिमम अपलोड कर सकते हो। मगर इसमें जब आप अपलोड करने जाओगे उस टाइम एक प्रॉब्लम आता है जो स्टाक हो जाता है, एक टाइम बाद स्टाक हो जाता है, वो रिस्टोर नहीं होता है। तो उस प्रॉब्लम को भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप जब फाइल्स पे क्लिक करके इंपोर्ट करोगे तो वो इंपोर्ट करने की कोशिश कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, अगर हो जाता तो अच्छा बात है, और अगर नहीं होता है तो मैं दिखाऊंगा क्या आपको करना है। देखो जो फाइल है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है, मगर ये जो लेटेस्ट वर्जन है व्हाट ऑल इन वन माइग्रेशन प्लगइन का हर वक्त सही से काम नहीं करता है। इसीलिए मैं ऑल्टरनेटिव मेथड भी इसी वीडियो में बता दूंगा जिस मेथड को आप यूज कर सकते हो। अब देख लेते हैं ये अगर काम कर जाता है, मतलब यहाँ पे अगर इंस्टॉल हो जाता है तो अच्छी बात है। सो गाइस देख सकते हो जो प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा था कि एक टाइम पे ये स्टॉक हो जाता है। देखो 13.48% में आके स्टॉक हो गया है और फाइल अपलोड नहीं हो रहा है, बाकी फाइल अपलोड नहीं हो रहा है। तो इसका बहुत ही आसान सलूशन है, इसी वीडियो में मैं बता देता हूँ। सो इसको स्टॉप इंपोर्टिंग पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे मैं डायरेक्टली होस्टिंगर पे लॉग इन कर लूंगा। और यहाँ पे देखो फाइल मैनेजर पे आपको जाना है। सो यहाँ पे फाइल्स पे आएंगे और फाइल मैनेजर पे जाना है। सो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो एक्सेस फाइल टू दिस वेबसाइट, सो इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पब्लिक HTML पे जाएंगे, उसके बाद WP कंटेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखो ये जो फोल्डर है AI1WM-Backups, सो ये जो फोल्डर है ये एक्चुअली ऑल इन वन माइग्रेशन प्लगइन का ही फोल्डर है। सो इस पे ही बैकअप अपलोड होता है। सो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली हम बैकअप को अपलोड करेंगे। सो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे और फाइल्स पे क्लिक करेंगे और जो कंप्यूटर में जो बैकअप फाइल था वो डायरेक्टली हम इस फोल्डर पे अपलोड कर देंगे। सो देख सकते हो यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। सो गाइस देख सकते हो कि बैकअप फाइल अपलोड हो चुका है। थोड़ा ज़्यादा MB का फाइल था, 467 MB का फाइल था, इसीलिए अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगा है। सो ऐसे अब कोई भी लार्ज फाइल को आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको डायरेक्टली वर्डप्रेस में आ जाना है, ऑल इन वन WP माइग्रेशन प्लगइन पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे बैकअप पे क्लिक कर देना है। बैकअप पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे जो फाइल आप अपलोड किए थे वो बैकअप सेक्शन में आपको शो होगा। सो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद रिस्टोर पे क्लिक करना है। रिस्टोर पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इस तरीके का प्रॉम्प्ट आपको दिखाएगा, रिस्टोर फंक्शनलिटी इज अवेलेबल इन ए पेड एक्सटेंशन। सो पेड एक्सटेंशन में रिस्टोर अवेलेबिलिटी है, मगर मैं पेड एक्सटेंशन का बात नहीं करूंगा। इसका जो पुराना वर्जन था ऑल इन वन WP माइग्रेशन प्लगइन का एक पुराना वर्जन था, उसमें ये जो रिस्टोर फंक्शन है वो अवेलेबल है। तो इस जो न्यू वर्जन है इसको पहले अनइंस्टॉल आपको करना होगा, उसके बाद पुराना वर्जन को आपको इंस्टॉल करना है। तो पुराना वर्जन कैसे मिलेगा वो भी मैं बताने वाला हूँ। सो इसको पहले अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। अनइंस्टॉल कर लिया और इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखो पुराना वर्जन के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके मेरा ये जो वेबसाइट है इस पे आ जाना। उसके बाद आपको डायरेक्टली डाउनलोड लिंक पे क्लिक कर देना है और उसके बाद देख सकते हो ड्राइव का फाइल आपको मिल जाएगा और यहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना ऑल इन वन माइग्रेशन प्लगइन का पुराना वर्जन। सो देखो डाउनलोड हो चुका है तो इसको इंस्टॉल करना है। सो यहाँ पे फिर से मैं प्लगइन सेक्शन पे आ चुका हूँ, इसमें ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। WP माइग्रेशन प्लगइन है उसका पुराना जो वर्जन है इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। सो इसको ओपन कर लिया, उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्टिवेट कर लेंगे प्लगइन को। सो पुराना प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। आप देखो ऑल इन वन WP माइग्रेशन प्लगइन आ चुका है। यहाँ पे बैकअप पे क्लिक करेंगे फिर से और यहाँ पे देख सकते हो जो मैं अपलोड कर चुका था जो फाइल है वो आ चुका है। सो इसको क्या करना है, जस्ट आपको रिस्टोर करना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है डाउनलोड और सेकेंड जो ऑप्शन है ये रिस्टोर का ऑप्शन है। सो इस रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हो रिस्टोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है।
सो यहाँ पे एक वार्निंग दिखाएगा, यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकते हैं, तो आप थोड़ा सा वेट कर लेना। सो देख सकते हो योर डेटा हैज बीन इंपोर्टेड सक्सेसफुली, मतलब रिस्टोरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे फास्ट बोल रहा है कि जो पार्मालिंक है उसका सेटिंग फर्स्ट आपको चेंज करना होगा। सो यहाँ पे पार्मालिंक सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और आपका जो पुराना जो यूजर नेम एंड पासवर्ड था उससे आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लेना। सो मैं कर लेता हूँ। सो देख सकते हो पार्मालिंक यहाँ पे देख सकते हो ये वाला ही आपको चूज करना है। देख सकते हो जो प्रीवियस पार्मालिंक आपका था उसको ही आप चूज करके कर लेना, नहीं तो एसईओ में डिफिकल्टी आ सकता है। सो इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है एंड इसको क्लोज कर देंगे। अब पुराना जो टैब खुला हुआ है इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और एक बार साइट पे विजिट करके चेकआउट कर लेना है साइट पे कुछ दिक्कत है कि नहीं। सो देख सकते हो साइट को मैं रिफ्रेश कर लिया और पुराना जो साइट है वो ही बिल्कुल आ चुका है एंड पार्मालिंक भी सही से सेटअप हो चुका है।